क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 अगर आप देखोगे तो 41 है आपका इस तरीके से कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला ए एंड बी आर मोनोडेंटेड लिगेंड। कह रहा है कि एक क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो स्क्वायर के जितने भी कॉर्नर होते हैं, एक स्क्वायर के जितने भी कॉर्नर होते हैं सारे कॉर्नर पे आपका लिगेंड होते हैं, और यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसका सिस और ट्रांस है ना, जो है ए और बी क्या है आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसका सिस बनाइए और इसका ट्रांस बनाइए। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये आपका क्या है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, वो भी सिस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे दो सेम लिगेंड जो है वह एट 90 डिग्री एंगल पे है, और यही अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर दो सेम लिगेंड आपके अपोजिट कॉर्नर पे हो गए 180 डिग्री पे हो गए तो क्या कहलाएगा ट्रांस है ना, इस तरीके। ये आपका ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर है, ये आपका सिस आइसोमर है भाई। तो कह रहा है कि कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला दिस। यहाँ पे ए वाला तो शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तीन, देखो जब आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तीन सेम लिगेंड हो, थ्री सेम लिगेंड हो, तब फिर आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ए वाला भी नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पे तीन सेम लिगेंड है, ए वाला तो चारों के चारों है ये भी नहीं होगा शो। आपका सी वाला जो होगा ए शो करेगा आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पे चारों के चारों लिगेंड क्या है सेम है, नहीं शो करेगा, यहाँ पे तीन लिगेंड सेम है ये भी नहीं शो करेगा आपका, और क्योंकि यहाँ पे आपका एम ए ए का होल ट्वाइस, तो ए ए का मतलब क्या हुआ आपका बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड में देखो दोनों डोनर एटम जो है वह सेम है, तो ऐसा होगा कि अगर मैं इसे बना भी दूं ऐसे करके है ना, अगर मैं बना भी दूं, ये है आपका बाइडेंटेड लिगेंड और संख्या में दो है ना, दो बार है, ये आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड और एक वाला ए वाला बाइडेंटेड लिगेंड, इसमें आपके सारे डोनर एटम क्या है सेम है ना, बाइडेंटेड लिगेंड में दोनों डोनर एटम क्या है सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, तो ए भी नहीं शो करेगा, यहाँ पे चारों के चारों डिफरेंट है भाई है ना। अच्छा यहाँ पे ए ए डैश है, तो ए डैश का मतलब हुआ वो भी बोल रहा है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे जो बोल रहा है उसको थोड़ा सा देखिए आप, कह रहा है कि ए ए डैश इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ए ए डैश क्या है अनसिमेट्रिकल, इसका मतलब हुआ कि ए आपका जो इस बाइडेंटेड लिगेंड में जो डोनर एटम ए है यह अलग है और ए डैश जो है वो अलग है, दोनों तो अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, ऐसे केस में आपका जब आप ड्रा करोगे ए है ए डैश है और ए आपका ऐसे ए डैश है, तो यहाँ पे ए और ए डैश क्या पढ़ रहे हैं एक दूसरे के 90 एंगल पे पढ़ रहे हैं, तो ये सिस वाला आइसोमर होगा, और ए जब आपका इसको मैं उलट दूंगा, इसको मैं ए डैश यहाँ पे कर दूंगा ए यहाँ पे कर दूंगा तो बन जाएगा ट्रांस वाला, तो आपका क्या होने वाला है,
देखो, अगर आप मान लो आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, या अगर टेट्राहेड्रल हुआ, टेट्राहेड्रल है ना, यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेन है। ज्यादा एक्यूरेट तो आपका यही है कि चारों के चारों लिगेंड क्या है आपके डिफरेंट है, तो एसिस और ट्रांस आपका शो होगा इसके द्वारा, यही आप करेक्ट आंसर मान के चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? विच वुड एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो पेंटा एमीन, पांच क्या है अमोनिया है, पांच अमोनिया है, तो एक आपका क्या होगा पेंटा अमीन, पेंटा अमीन नाइट्राइटो, पेंटा अमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स आपका तो क्या नहीं शो करेगा ये भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, और न तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, न तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता ये वाला। डाईएमीन, डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ए वाला शो करेगा, बी वाला, बी वाला तो शो करेगा, है ना। फिर है आपका ट्रांस, ट्रांस वाला जो आइसोमेरिज्म होता है ये आपका शो नहीं करता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। ट्रिस, इथाइलीन, डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, ये आपका देखो इथाइलीन डाइएमीन ये आपका क्या है सिमिट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये आपका जो सिमिट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ये क्या करने वाला है आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, तो दोनों के दोनों कौन शो करेगा? और डी वाला सही आंसर होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोबाल्ट ट्रिस मतलब तीन बार है ना, इथाइलिन डाइएमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, 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 ये आपका क्या हो गया है ना, ये आपका शो करेगा क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आपको पता है कि देखो ये प्लेट, ये जो आपको बी वाला था ना, बी वाला नहीं शो करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है प्लेटिनम, और प्लेटिनम 5D सीरीज से बिलोंग करता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी, ठीक है। दी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस, इसके दो आइसोमर होंगे, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला, बी 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45 अगर आप देखोगे तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के हिसाब से आप जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको आप पढ़िए, तो अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है भाई, पहला कि लिगेंड आर कनेक्टेड टू द मेटल आयन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, जो लिगेंड होते हैं वह मेटल आयन से किस तरीके से जुड़े होते हैं, बाय कोवेलेंट बॉन्ड,
दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की होती है। बस आपकी सही है, ट्रू है। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, ये भी बात आपका ट्रू है। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, ट्रू है। कह रहे लिगेंड आर कनेक्टेड टू दी मेटल आयन बाई कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो जो लिगेंड होता है वह आपका मेटल आयन से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, लिगेंड। तो देखो अब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह दो टाइप की वैलेंसी रखता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह आयोनाइजेबल होती है। क्या होती है? आयोनाइजेबल। और यह आपका जो प्राइमरी वैलेंसी होता है यह आपका केवल और केवल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जिम्मेदार होता है ना। और यह जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यह आपका सेटिस्फाइड, किसे सेटिस्फाई होती है, आपका एनायनिक लिगेंड द्वारा सेटिस्फाई होती है, एनायनिक लिगेंड द्वारा। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा सेंट्रल मेटल एटम से, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी यानी एनायनिक जो लिगेंड होगा जो प्राइमरी वैलेंसी के लिए जिम्मेदार होगा वह तो कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ा होगा। यानी ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका फाल्स है ना। तो सही इसका आंसर होगा बी वाला। दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है यही केवल स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है ना। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला जो लिगेंड होता है वह सेंट्रल मेटल एटम से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़ा होता है ना। वह आयोनाइजेबल वैलेंसी शो करता है इसीलिए वह कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़ा होता है, वह आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है सेंट्रल मेटल एटम से, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस इज, तो यहाँ पे जो वाटर है वह वीक फील्ड लिगेंड है ना, और मैग्नीज जो है वह प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैग्नीज अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो इसका आर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पे जो डी सबसेल है, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपका T2g और Eg में स्प्लिट होगा तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर आएंगे, फिलअप होंगे। यहाँ पे नंबर अपन पेड़ इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 5। ज्योमेट्री ऑफ दिस एंड दिस आर, तो देखो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा है ना। यहाँ पे पेयरिंग होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, ये क्या है आपका, यहाँ पे निकल जो है ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, आर्गन 3d8 4s2। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। 4s में क्या होता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यहाँ पे 8 आप इस तरीके से भरोगे, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और जब चूंकि जो कार्बोनिल लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे चले जाएंगे, डी सबसेल में चले जाएंगे, और एस वाला जो ऑर्बिटल होगा वह खाली हो जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वह बनेगा sp3, एक एस ऑर्बिटल यूज हो जाएगा और 3p ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वह sp3 आएगा, जो स्ट्रक्चर आएगा इसका सेम, वह आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने। यहाँ पे
ए जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे निकल जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? तो निकल यहाँ पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे टेट्रा फेनिल फॉस्फीन जो लिगेंड है, ये टेट्रा फा सॉरी ट्राई फेनिल फॉस्फीन, ट्राई फेनिल फॉस्फीन जो लिगेंड है, यह आपका एक कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, ये क्या आपका D8 है ना, और D8 का कंफिगरेशन करोगे तो ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब जब पेयरिंग होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो एक डी एक एस और 2p ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर आने वाला है वह स्क्वायर प्लेनर आने वाला है, क्योंकि तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना है यहाँ पे? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो बना है वह आपका बना है DSP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना है? DSP2। तो फर्स्ट वाला तो टेट्राहेड्रल होगा और दूसरा वाला क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन 48 आपका है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सही करेक्ट है इसका स्ट्रक्चर। तो देखो ऑक्टाहेड्रल तो हो नहीं सकता क्योंकि तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह 5 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से आपका ऑक्टाहेड्रल बन ही नहीं सकता। टेट्राहेड्रल तो भाई 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तब न बनने का चांस रहता, यहाँ तो 5 है। एक है आपका स्क्वायर प्लेनर और एक है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर होने वाला है स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्क्वायर पिरामिडल तब होता है ना जब आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका 4D या 5D सीरीज से बिलोंग करता, यानी सेंट्रल मेटल एटम की जो साइज होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के स्क्वायर पिरामिडल बनने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है 49। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसमें आपको देखने को मिलेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पे क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे वाटर जो है वह क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे आप इसका इसमें इसके वैलेंस सेल में कितने, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वैलेंस सेल का? तो D3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दोगे, पेयरिंग नहीं हो पाएगा, है ना? वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि D3 सिस्टम है। तो D3 सिस्टम में आपका T2G तो भरना ही पड़ेगा आपको। तो ए क्या है आपके यहाँ पे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 50 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 50 कि विच वन आयन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सा आयन आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है? तो यहाँ पे देखोगे ए आपका तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो लिगेंड है ए आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पे पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होने पे एक आपका 3D जो सबसेल है उसका एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका होगा वह होगा DSP2, है ना? इसका देखोगे तो यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्लोरीन क्या है आपका? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह बनेगा आपका टेट्राहेड्रल। ए आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नहीं हो सकता, ए तो आपका क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है, तो ए तो हो ही नहीं सकता। ए आपका देखो ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर होगा इसका सी।
द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हैज, जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स DSP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो उस समय जो ज्योमेट्री आती है वह कैसा आता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगला है आपका ए, जो आपका है ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, यह कॉम्प्लेक्स आयन आपका कैसा है, तो इसका जो ए आपका है NH3 का होल 4 ये 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पे कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, भाई कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे आर्गन 3D आपका क्या हो गया 7 4S0। अब यहाँ पे क्या है आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो मैं भर दिया 1 2 3 4 5, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया। यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जो अमोनिया है वह क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, क्या हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो यहाँ पे जो अमोनिया होता है यह आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह अगर बिहेव करेगा तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा अगर, तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक ही ऑर्बिटल चाहिए डी का, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ए वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो एक डी और एक एस और तीन तीन दो पी, तो DSP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक डी का ले लेगा, एक एस का ले लेगा, दो पी ऑर्बिटल ले लेगा, तो DSP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका जो शेप आने वाला है वह कैसा होगा, इसका जो शेप आने वाला है वह आएगा आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 53 आपका है कि क्रोमियम हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर। देखो स्क्वायर प्लेनर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से तो ऑक्टाहेड्रल बनता है। अच्छा यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखोगे तो आर्गन 3D3 4S0 4P0। अब चूंकि यहाँ पे क्या है आपका, अगर मैं कहूँ कि जो अमोनिया है वैसे अमोनिया यहाँ पे आपका वी अमोनिया क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो अगर मैं T2G और EG के हिसाब से देखूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से देखूँ, तो यहाँ पे ए T2G है, ए आपका EG है, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखने की वजह से कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का हो। अगला क्वेश्चन है 54 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायमैग्नेटिक बिहेवियर इन इन बिहेवियर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 54, क्वेश्चन नंबर 54 अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि कौन सा इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है ना आपका वो जब हाइब्रिडाइजेशन आपका कैसा आएगा D2SP3, तब कॉम्प्लेक्स जो होगा वह क्या कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे अभी जस्ट इसके पहले मैंने इसका यही वाला तो था, यहाँ पे मैंने देखा था कि दो डी ऑर्बिटल खाली थे
आपका यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन बनेगा वह बनेगा D2SP3, लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का था। तो कह रहा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो और साथ ही साथ डायमैग्नेटिक नेचर का भी हो, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है लेकिन डायमैग्नेटिक नेचर का नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। फिर ए वाला जो है, यहाँ पे कोबाल्ट जो है वह किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d6 और S0 और 4p0। तो जो डी सबसेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे जो अमोनिया है वह कैसा है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ऊपर इसमें क्या होगा आपका पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और 2d ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, 2d और 1s और आपका 3p। तो हाइब्रिडेशन बनेगा D2SP3, ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर का। आंसर तो मुझे मिल ही चुका है, तो बी वाला सही आंसर होगा आपका। बी वाला क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे 55, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस आयन, इस आयन का हाइब्रिडेशन क्या है। यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका कंफिगरेशन देखो तो आर्गन 3d8 4s0 4p0। तो डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे है ना। अब इसमें डी सबसेल में, 3d सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 5 5 हैं ऑर्बिटल और मुझे इलेक्ट्रॉन बनने 8, तो 5 तो भरी गए, 6 7 और 8, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला ऑर्बिटल जो होगा खाली हो जाएगा, है ना, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक डी खाली हो जाएगा, एक एस खाली हो जाएगा और आपका 2p यूज हो जाएगा, तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है ना। यहाँ पे सही आंसर होगा ए वाला। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आयरन एटम को, तो यहाँ पे पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 है ना, तो आयरन जो है वह आपका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d6 4s2 और 4p0। डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 4p तो खाली है। अब चूंकि ये कैसा लिगेंड है भाई, ये लिगेंड आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इसमें का पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, है ना, और ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो ए वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ए वाला खाली हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला गया, और ए आपका 3 बाकी 3, तो आपका क्या हो जाएगा DSP3, 56 का जो बी होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि ए जो कॉम्प्लेक्स आयन है
और ए वाला जो कॉम्प्लेक्स साइन है और ए वाला जो कॉम्प्लेक्स साइन है, तो ए कैसा होगा आपका? तो ए आपका होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स साइन है ये आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर। ई वाला जो कॉम्प्लेक्स साइन है ये आपका कैसा होगा? ए आपका टेट्राहेड्रल होगा, और ए वाला जो होगा आपका ये भी टेट्राहेड्रल होगा, है ना? तो ए स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों टेट्राहेड्रल। सही आंसर होगा आपका 57 का ए। फिर है आपका हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन दिस। यहाँ पे फ्लोराइड क्या है आपका? फ्लोराइड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो आपका जो 3D सबसेल है इसका कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि खाली नहीं रहेगा ना। यहाँ पे वैसे कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे आर्गन 3D आपका क्या हो गया, 3D6। पेयरिंग तो होगा नहीं, पेयरिंग होगा नहीं तो आपका कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, है ना? सारे डी ऑर्बिटल क्या होंगे आपके, सारे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। आपको यहाँ पे 4s खाली था, 4p खाली था और 4d खाली था, तो एक s, 3p और 2d ले लेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। सही आंसर होगा 58 का डी। अगला है दी हाइब्रिडाइजेशन एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? यहाँ पे आयरन जो वाटर है वह वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वह आएगा आपका sp3d2, sp3d2। और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे अगर इसका देखोगे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 लास्ट में आएगा, और यहाँ पे T2G और EG में अगर इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका पेयरिंग तो होने वाला नहीं है, तो आपका इस तरीके से इसका कंफिग्रेशन आने वाला है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है? sp3d2, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आने वाले हैं। 59 का हो गया आपका ये। और कह रहा है दी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस, तो यहाँ पे तो आपका निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका आर्गन 3d8 4s2। जब पेयरिंग होगा तो इसका 4s सबसेल का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर जाएगा? डी सबसेल में। और डी सबसेल में जब जंप कर जाएगा तो 4s क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और डी जो सबसेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो यानी 0।